वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल नाम से पता लग रहा है, वेरिएबल्स जिसके पास एबिलिटी हो वेरी करने की, चेंज होने की, ठीक है, तो उसे कह देंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का काम क्या होता है? जो डेटा है उसको स्टोर करता है, ठीक है। सो वेरिएबल इज द नेम ऑफ अ रिजर्व्ड एरिया एलोकेटेड इन द मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका रैम है, ठीक है, ये रैम है, रैम में इतना सारा स्पेस है। अब उतने सारे स्पेस में ये हमने एरिया यूज किया है जिसमें स्टोर कर दिया डेटा 10। तो इसका जो नाम देंगे ना हम, फॉर एग्जाम्पल हमने नाम दे दिया ए, तो ए जो है ये हो गया हमारा वेरिएबल। मतलब ये जो रिजर्व कर लिया हमने मेमोरी में, एलोकेट कर लिया, ठीक है, एरिया को इस मेमोरी में, इसको बोलेंगे वेरिएबल। ए जो कि इंडिकेट कर रहा है एक डेटा जिसमें वैल्यू है 10। दूसरे वर्ड में आप समझो कि इट इज़ अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी का लोकेशन है कि भाई 10 हमारा कहाँ पे सेव है, कहाँ पे 10 जो है स्टोर हो रखा है, तो ये ए पे हो रखा है, ठीक है। अब इसमें कॉम्बिनेशन है वेरी प्लस एबल, जो शुरू में मैंने बताया कि एबिलिटी टू वेरी है ना, जिसका मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। अब अगर हमें पता है कि 10 हमारा जो है वो स्टोर्ड है ए पे, तो हम ए की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जब लेकिन हमें पता ही ना हो कि वो लोकेशन क्या है उसका जहाँ पे 10 स्टोर है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप और वेरिएबल दोनों इंटर रिलेटेड है। अब इंट क्या है? हमारा डेटा टाइप है। डेटा क्या है? वेरिएबल का नाम। इसमें इक्वल टू 50, यानी कि 50 क्या है? हमारी वैल्यू। 50 एक वैल्यू है जिसका टाइप क्या है? इंटीजर, इसका टाइप है। और एक हमारा मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम है डेटा, वहाँ पे स्टोर्ड है, ये है हमारा वेरिएबल। तो पहला तीन तरह के हैं, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक। तो सबसे पहले देखेंगे लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम एक जब फंक्शन बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, उसके बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं, है ना। वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। यू कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट मेथड। सिर्फ जिस फंक्शन के अंदर आप बना रहे हो उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, एंड अदर मेथड इन द क्लास आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट वेरिएबल कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, है ना। नाम से पता लग रहा है लोकल, मतलब किसी एक लोकल जगह पे। तो एक मान लीजिए यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया कोई, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक जो हमने बनाया वेरिएबल वो लोकल वेरिएबल होगा। अ लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। ये ध्यान रखना है, लोकल वेरिएबल को कभी भी आप स्टैटिक नहीं बना सकते। दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेथड। मतलब ये आपका क्लास है और क्लास के अंदर मेथड्स होंगे बहुत सारे, ठीक है, ये क्लास की बॉडी है और यहाँ पे एक मेथड है हमारा, मान लीजिए ए। अब इसकी इसकी बॉडी यहाँ पे है, तो इसका कहने का क्या मतलब होगा? इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होंगे? जो क्लास के अंदर तो आप डिफाइन कर सकते हो इधर इधर कहीं भी, लेकिन ये जो ये मेथड की बॉडी है इसके अंदर नहीं, इसके अंदर जो होगा तो लोकल हो जाएगा क्लास के अंदर बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेथड। इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट्स वैल्यू इज इंस्टेंस स्पेसिफिक एंड नॉट शेयर्ड अमंग इंस्टेंसेस। ये इंस्टेंस स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टैटिक वेरिएबल। वो वेरिएबल जिससे पहले एक हम कीवर्ड लगा देते हैं स्टैटिक, उसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ये लोकल नहीं हो सकता, मतलब लोकल में था ना कि लोकल वेरिएबल स्टैटिक नहीं बन सकते, तो स्टैटिक वेरिएबल लोकल नहीं हो सकते, दोनों वैसे वर्सा। यू कैन क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड शेयर इट अमंग ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। एक सिंगल कॉपी क्रिएट करके स्टैटिक वेरिएबल का, बाकी जो इंस्टेंसेस हैं उनके साथ हम इसको शेयर कर सकते हैं। और मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल्स happens only when the class is loaded in the memory। जब क्लास, जब तक आपका क्लास जो मेमोरी में लोड नहीं होगा तो इसमें मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक वेरिएबल में नहीं होगी।